हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना आज, मैं क्या ही आपको बताऊं। मतलब जब हम रात को सोए तो हल्की हल्की गर्मी थी, जब मैं सुबह उठी ना तो मुझे ठंड सी लग रही थी। तो मुझे लगा, ऐसा लगा कि बाहर ना बारिश आ रही होगी। मैंने ना सबसे पहले आज उठ के मैंने बाहर आई कि देखती हूँ क्या सा मौसम हो रहा है। देखा तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और घटा भी हो रही थी। ऐसा लगता है कि बारिश भी आ सकती है। तो चलिए, यहाँ पे मौसम के मज़े ले लिए हैं मैंने और ले लिए हैं आलू, क्योंकि आज है फिर से श्राद्ध। और आज हमारे घर में दादा दादी और एक और दादाजी का श्राद्ध है, इसीलिए 3 थाली निकलेगी। तो 3 जनों का श्राद्ध है, इसीलिए आलू की कचौड़ी बनेगी। तो सबसे पहले ना उठ के मैंने यही सोचा कि आलू धोकर उबलने के लिए रख देती हूँ, बाकी साफ़ सफ़ाई करूँगी ना तो आलू उबल कर तैयार हो जाएंगे। फिर मैं नहा कर आऊँगी तो फिर मुझे फिर से आलू उबालने नहीं पड़ेंगे। मतलब कि काम ऐसे ना आसान हो जाता है। मेरी बातों का मतलब आप समझ पाते हो या नहीं, मैं कुछ भी बोल देती हूँ व्लॉग में। तो चलिए, यहाँ पे फिर मैंने 1 गिलास पानी लिया, खिड़की खोली है क्योंकि यहाँ से भी फ्रेश एयर आती है और ठंडी ठंडी घर की कमरे की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर चली जाती है। और घर कमरे में जो सीलन होती है ना बंद की वजह से, वो भी खुला खुला, मतलब मुझे खुला खुला ज़्यादा पसंद है। बस 1 गिलास पानी पी के एनर्जी ले ली है मैंने पानी से ही, क्योंकि चाय वगैरह मैं पीती नहीं हूँ सुबह सुबह। और रियांश भी यहाँ पर उठ गया था, उसको थोड़ा सा बातें वगैरह करी मैंने उसके साथ। और मैंने उसको बोला कि तू इतनी जल्दी क्यों उठ जाता है, तो बोलता है मम्मी मैं आपके पीछे पीछे ही उठ के आ जाता हूँ, क्योंकि जब आप उठ जाती हो तो फिर मेरे पास कोई नहीं सोता। सच में रियांश के साथ ऐसा है कि वो मेरे पास सोता है, तो उसका क्या है ना कि जैसे ही मैं उठती हूँ ना उसके 10-15 मिनट बाद वो ज़रूर उठ के आ जाता है। और ये बचपन से है, जब वो ज़्यादा छोटा था ना तब तो मुझे ये लगता था हाय मैं सो रही हूँ, तब तक ये सो रहा है, नहीं तो फिर उठ के आ जाना है इसने बाहर ही। तो मतलब मेरा ना बड़ा टेंशन हो रहती थी मुझे, मैं ये सोचती थी कि मैं काम कैसे करूँ। ये बहुत छोटा था और मेरे पीछे पीछे उठ के आ जाता था। फिर छोटे बच्चों को तो पहले मम्मी चाहिए होती है। काश मैं उस टाइम पे व्लॉग बनाती ना तब आपको पता चलता। चलिए कोई नहीं, आज भी इसकी आदत यही वाली है, जितनी जल्दी मैं उठती हूँ ना उसके 10-15 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा ये उठ के आ जाता है। चलिए देखिए, बातों बातों में मैंने कर ली थी ड्राइंग रूम की साफ़ सफ़ाई, सोफ़े के कपड़े झाड़ दिए फटाफट, फिर सारी डस्टिंग कर ली थी जो भी मैं, सेंटर टेबल, ये LED वॉल, ये हमारा स्पीकर रखा हुआ है, साथ में फ्रिज रखा हुआ है, इन सबको मैं डेली कपड़ा लगाती हूँ डेली, ताकि ये क्लीन रहे और साफ़ सुथरे रहे। और जब भी कोई त्यौहार वगैरह होते हैं ना तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि फटाफट मैं घर की साफ़ सफ़ाई करके नहा धो लूँ, ताकि जो पूजा का काम है वो नहा धोकर हो। तो इसीलिए ना मैंने फटाफट इस कमरे में झाड़ू पोछा लगा देना है। और अंदर की साफ़ सफ़ाई मैं वैसे तो कर आई थी, लेकिन वही है कि बच्चे सो रहे थे, लेकिन जो बच्चों वाला कमरा है ना उसकी मैंने कर दी थी, लेकिन पीछे वाले कमरे की जब उठ जाएंगे ना बच्चे जब करूँगी। देखिए मेरे बाल कितने झड़ने लगे हैं और मुझे बड़ी टेंशन हो गई है बालों के लिए, क्या करें। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ पता है तो, कि मैं बालों में क्या करूं कि मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि मुझे दरवाज़ा बंद करके लगानी पड़ी झाड़ू, क्योंकि जब जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो कूड़ा अंदर आ रहा था बार बार, इसीलिए मेरे को कमरा बंद करा और फटाफट मैंने बाहर के बरांडे की भी झाड़ू लगाई। और बरांडे में तो मैंने कुछ इस तरीके से लगाई कि कूड़ा उठाने वाला हाथ में ही पकड़ रखा था, जहाँ जहाँ लगाई जा रही थी वहीं वहीं कूड़ा उठाई जा रही थी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। फिर मैंने इसके बाद ना देखा कि आलू उबल कर तैयार हो गए थे, तो उसमें पानी ना भर जाए इसीलिए ना मैंने उसको खोल कर छन्नी में रखने की डिसाइड करा, क्योंकि जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तो ये आलू भी ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं आलू छील लूँगी। लेकिन ये ना थोड़े थोड़े से ना कच्चे लग रहे थे मुझे, तो मैंने क्या करा, इसका जो सारा पानी था ना वो मैंने निकाल दिया और कुकर को एज इट इज़ ऐसे ही बंद करके रख दिया, ताकि भाप में आलू अच्छे से बॉयल हो जाए। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे करते हो। तो यहाँ पर फिर पोछे की बारी आती है, जो कि मैंने फटाफट लगाया और उसके बाद मैं इतनी
मतलब टेंशन हो रही थी ना मुझे कि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। वैसे तो मैं जल्दी उठी थी बट बीच बीच में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं आपको नहीं दिखा पाती, जैसे कि कूड़े वाला आ गया था तो मैं कूड़ा डालने गई, फिर पीयू के पापा ने मुझे आवाज़ लगा ली थी, कुछ काम था नीचे, नीचे काम चल रहा है कुछ, यानी कि दिखाऊंगी मैं आपको, तो कुछ काम चल रहा है ना इसीलिए, फिर पीयू के पापा ने मुझे आवाज़ लगा के बुला ली तो उन्होंने बुला लिया। तो बीच बीच में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, तो मुझे बड़ी टेंशन लगी रहती है कि मेरे सारे काम ना जल्दी से हो जाएं। चलिए यहाँ पे मैं नहाकर तैयार हो गई थी और जैसे ही मैं आटा गूंदने चली ना, आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो यार सबसे पहले आटा ही भर लेते हैं क्योंकि मेन काम है आटा गूंदना। तो यहाँ पे आटा देखो मैंने ले लिया था, लेकिन आटा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने आटा निकाला। और दो तरीके के आटे गूंदूँगी मैं, जैसे कि एक मैं बहुत कड़ा यानी कि टाइट आटा गूंदूँगी क्योंकि वो पूरियों का आटा होने वाला है और पूरियों का आटे में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है आटे में, कि अगर पूरी का आटा टाइट नहीं होगा ना तो फिर वो अच्छे से ना वो नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी अच्छे से नहीं बनेगी और तेल बहुत पीती है अगर वैसे आटे की, मतलब सॉफ्ट आटे की आप लोग बनाते हो। तो बस यहाँ पे पूरी का आटा गूंद गया था। फिर मैं गूंदने वाली थी कचौड़ियों का आटा, और पिछले व्लॉग में भी मैंने आपके साथ यही व्लॉग शेयर करा था, बट जो मेरी लाइफ में होता है जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, किस तरीके से मैं अपने कामों को निपटाती हूँ वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो कचौड़ियों का आटा था मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, बट मैंने कहा कोई नहीं लगेगा ज़्यादा तो मैं बाद में इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगी। ये आटा बच गया तो मैं क्या करूँगी ना कि शाम के रोटी में ले लूँगी अगर बच गया तो। अच्छा, आटा गूंदने के बाद मैंने फिर आलू छीलने लगी क्योंकि मैंने सोचा पहले ना आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि आटा है ना फर्मेंट हो जाता है अच्छे से, ना लोच आ जाता है आटे में, अच्छा हो जाता है मतलब आटा। और रियांश मेरे हाथ देखो पीछे पड़ा हुआ है कि आप ही नहीं लाओ मम्मा, तो मैंने कहा अब तो तुझे वेट करना पड़ेगा एक घंटा और क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है। अच्छा, तो यहाँ पर कचौड़ियों के आलू मैंने मैश कर लिए थे कद्दूकस में, उसमें मैंने मसाले मिलाए थे हल्दी छोड़कर सॉरी नमक मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला काली मिर्च, और मैंने इसमें हींग मिलाई थी, हरा धनिया था नहीं तो मैंने सूखा धनिया मिला दिया था, तो काफ़ी अच्छी पिट्टी मतलब चटपटी बनकर तैयार हो गई थी। और यहाँ पर आटा जो था वो मैंने रख दिया था साइड में क्योंकि मैं इस साइड पूरी बनाने वाली हूँ, और दो मैंने रखी हैं यहाँ पे कटोरे बड़े बड़े जिसमें एक में हम कचौड़ी रखेंगे जिसमें मैंने बटर पेपर लगा के रख दिया है, और एक में सादी पूरी रखेंगे, इसीलिए मैंने इन दोनों को भी रेडी कर दिया जाकि ताकि जब भाभी आए ना नीचे से तो मेरी सारी तैयारियाँ हुई भी हो। और जैसे ही मैं ये सब कर रही थी ना तो भाभी आ ही गई थी, भाभी ने सारी सब्जियाँ बनाई थी यानी कि दो सब्जी और खीर, तो इस तरीके से हम अपना काम बांट लेते हैं और इजीली हो भी जाता है, मैं अपनी किचन में कर लेती हूँ भाभी अपनी किचन में कर लेती है, तो इस तरीके से हम लोग दरानी जेठानी काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरियाँ बनेंगी अब, और आज ना मैं व्लॉग थोड़ा सा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि ना फिर मेरे व्लॉग मतलब फ़ोन में ना स्पेस ख़त्म हो गया था, मतलब वीडियो बनाने का स्पेस ही नहीं बचा था। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना पेन ड्राइव से लेना लैपटॉप से एडिटिंग करा करूँगी क्योंकि फ़ोन से करती हूँ ना फ़ोन में बहुत हैंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जाती है क्योंकि मेरी अभी वीडियोस थोड़ी सी पीछे भी चल रही है। ये फ्राइडे का व्लॉग है तो ये अभी संडे को शायद ये आ जाए क्योंकि संडे को मैं पहले ही वीरवार का व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, तो ये फ्राइडे का है, देखते हैं कब आएगा, लेकिन मैंने इसको एडिट कर दिया है और आप लोगों के लिए मैंने इसमें बैक वॉइस भी कर दिया। यहाँ पे मैंने सादी पूरी बना ली थी, आलू की कचौड़ियाँ ये वाली भी बना ली थी, और हमने क्या क्या बनाया था चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से जो वीडियो है ना वो मेरी रिकॉर्ड होनी बंद हो गई थी मैंने जो आपको बताया, उसके बाद मैंने एक व्लॉग एडिट करा, उसके बाद मैंने फ़ोन को खाली करा फिर हुई। तो यहाँ पे श्राद्ध में बने थे आलू टमाटर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू की कचौड़ी, मूली का लच्छा, सादी पूरी, खीर और रायता, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बनाई थी। मैं आपको दिखा रही थी कि आलू की कचौड़ी में स्टफिंग इतनी अच्छी थी कि हर जगह स्टफिंग थी और भरी भरी आलू की कचौड़ियाँ बनी थी जो कि बहुत स्वाद लग रही थी। जिस जिसने गर्म खाई उसको तो ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, हम लोगों ने तो ठंडी खाई ना तो थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। इसके बाद वही जो मैंने बताया कि फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था,
और फिर मैंने सारी किचन वगैरह क्लीन करी, किचन को मैंने अच्छे से धो दिया था क्योंकि ऑयली ऑयली हो जाती है। फिर मैं दोपहर में लेट गई थी क्योंकि ऑयली खाना खा के ना नींद भी बहुत आती है। और पीहू मेरे काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई है कि उसको थोड़ा सा सामान लाना है मार्केट से, तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मी चलो चलो चलो, तो मैं उठी, मैंने हाथ मुँह धोए, फिर मैं हो गई थी तैयार। और मैंने यहाँ पे जीन्स टॉप पहन लिया था अपना और पीहू भी हो गई थी रेडी। और मैंने ना बालों को सोच रही थी क्या करूँ, बालों का तो कोई हेयर स्टाइल ही नहीं समझ आता, गुत बनाओ तो पीछे कमर पे लगते हैं, ऐसे ऊपर बांध लो तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो मैंने ढीले बाल बांधे। और यहाँ पे पीहू ने अपने शूज़ पहन लिए और मैंने अभी तक अपनी सैंडल नहीं पहनी थी, तो मेरी हाइट पीहू से बहुत कम लग रही थी। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, पीहू थोड़ी सी हो तो गई है मेरे से लंबी, लेकिन इतनी नहीं हुई है मेरे जितनी है, लेकिन वो शूज़ पहन लेते ना तो ज़्यादा लगती है। चलिए यहाँ पे कौन कौन मेरी तरह जाते हुए नेल पेंट लगाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अपने पैर देखे ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। एक तो मेरे पैरों के नेल्स नहीं बढ़ते बिल्कुल भी, और नेल पेंट भी ना लगाओ तो बहुत बुरे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगाया। और यहाँ पे मैंने पर्स ले लिया था, यही आपको कह रही थी, ये देखो लग रही है ना, इतने हील वाले शूज़ पहन लिए और मैं बिना चप्पल के ही खड़ी थी इसीलिए। हमने मार्केट से शॉपिंग वगैरह की और पीयू थोड़ी सी हमारी फूडी है, उसको खाना बहुत पसंद है, तो उसने बोला मम्मी मुझे तो बर्गर ही खाना है, तो हमने तो जी हम आ गए घर, हम तो बर्गर लेकर आए हैं। ये देखिए क्या बनाया है, यिप्पी बना के बैठी है, बनाई भी ग्रीन टी शर्ट ने है, ग्रीन टी शर्ट नहीं, बर्गर हम बर्गर खाएंगे। मुझे तो ना ये रोड साइड वाला बर्गर बहुत ही अच्छा लगता है, जो ये वाला बर्गर होता है मैकडी से ज्यादा मुझे ये वाला अच्छा लगता है। किस किस को लगता है, मैंने कहा मेरे पैसे करीब तुम्हारे वाले 500 तो खर्च हो गए मेरे नोट्स में, मेरे बोल ही नहीं रहे हैं अपने नोट्स में से बचे। देखा आपने, पीहू ने तो बर्गर खा लिया था, मैं बर्गर लेके भी आई थी, लेकिन रियांश ने पहले ही उसको भूख लगाई थी तो उसने यिप्पी बनवा ली थी चीनी से, यानी कि अपनी दीदी से। तो उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे और ये जो हम खाने वगैरह का सामान लाए थे वो सब मैंने साफ़ करा, बर्तन वगैरह वॉश करे और जो भी छिलके वगैरह थे वो डस्टबिन में फेंक दिए। अब मैं करूँगी रात के डिनर की तैयारी। रात के डिनर में मैंने बनाई थी दाल और नमकीन पुलाव। दाल मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वेट लॉस जर्नी चल रही है मेरी, तो मैं मसूर की दाल खा लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, मैं एक रोटी ले लेती हूँ और कटोरा भर के दाल ले लेती हूँ, इसीलिए मैं दाल ज़रूर बनाती हूँ। दाल में एक तो प्रोटीन होता है और दाल लिक्विड होती है, तो मैं उसको ज़्यादातर एक रोटी के साथ ज़्यादा दाल लेकर मेरा पेट यानी कि भर जाता है। साथ में मैं सैलेड वगैरह ले लेती हूँ। और अब संडे आने वाला है, मैं अपना वेट भी चेक करूँगी। मैंने टारगेट किया था कि 1 किलो तो मेरा वेट कम होना चाहिए, देखते हैं संडे को, मेरे को इंतज़ार रहेगा। आप लोगों को भी मैं शो करूँगी, जो भी मेरा रिज़ल्ट होगा ना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कम होगा तो कम नहीं तो ज़्यादा। कोशिश तो मैंने करी है कम करने की, बट देखते हैं होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने दाल के लिए तड़का तैयार कर लिया था, मैंने सरसों के तेल में डाली थी प्याज जीरा डालकर, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाली थी, उसके बाद बेसिक मसाले हल्दी नमक मिर्च और थोड़ा सा हींग, और यहाँ पे थोड़ी सी दाल ली थी उसी को मैंने बनाने के लिए रख दिया था। दाल मैं पतली पतली खाती हूँ तो इसीलिए पानी ज़्यादा डाला था दाल में। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करने लगी थी, हाँ अब दाल बनाई है ना तो थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी और आटा गूँध लूँगी। आटे थोड़ा सा ही गूँधना है वैसे तो, सुबह का भी एक्चुअली जो मैंने सुबह कचौड़ी और उसके लिए गूँधा था ना वो सारा ही लग गया था, इसलिए मैंने ना थोड़ा सा और आटा गूँधा क्योंकि बच्चे वगैरह तो रोटी खाएंगे ही और कम ही रोटी खाएंगे, और थोड़ा सा ही आटा मैंने गूँधा था। चलिए आटा तो गूँध के मैंने ना एक बॉक्स में रख दिया था, यानी कि कंटेनर में, छोटी सॉरी डोंगे में, डोंगा भी बोलते हैं हम लोग देखो जो हिंदी हमारी लैंग्वेज होती है ऐसे ही बोलते हैं, कड़ची पोनी डोंगा, और बच्चे थोड़ा दाल को अवॉइड करते हैं, तो मैंने उनके लिए नमकीन पुलाव बना दिए थे। और नमकीन पुलाव मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, कई बार शेयर करें हैं, अगर किसी को जाननी है रेसिपी तो कमेंट कर देना, वैसे मैंने कई बार शेयर करे हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल और नमकीन पुलाव बनकर रेडी हो गए थे, फिर मैंने किचन को क्लीन करा। और जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना किचन बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। ये देखिए सब्जियाँ बन गई थी और मैंने ना और ये सब खाना तो तैयार हो गया था, लेकिन अभी मैंने फुलके नहीं बनाए थे क्योंकि बच्चे मना कर रहे थे, तवा भी मैंने धो के रख दिया था। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना तो फुल तवा ज़रूर धो के बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर बच्चों को भूख लगाई थी, फिर मैंने उनके लिए फुलके वगैरह बनाए और उनको खाना सर्व किया।
तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। पता नहीं रियांश यहाँ पे क्या बोल रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और इसी तरीके से मैं अपने घर के सारे कामों को मैनेज करती हूँ, घर के भी और बाहर के भी। थोड़ी सी मैं थक गई थी लेकिन फिर मेरे को खाना तो बनाना था डिनर। चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना व्लॉग आपको कैसा लगा। ये हमारे रात के डिनर की थाली, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय।